हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो इस क्लास में हम लोग चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस आपको लेकर आया है, जो कि एग्जामिनेशन में कोई ना कोई आपको 200% कर जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के बस चार ही क्वेश्चन है, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। ये चारों क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा तो आपको मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो चलते ही देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द 2 consecutive kilometers, ये वाला टर्म याद रखना है, 2 consecutive kilometers, ये टर्म याद रखना आपको। अगर 2 consecutive kilometers का स्टोन्स बोलेगा नहीं तो हम लोग देखेंगे, ये टर्म को खाली पकड़ के रखेंगे। अलोंग द स्ट्रेट रोड विल बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड विल बी। चलो देखते हैं क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून। मान लेते हैं कि ए बी हाइट पर क्या है, मान के चलो कि यहाँ पर बैलून है। ठीक है, ए बी क्या होगा, यहाँ पर ए बी हाइट पर क्या मानते हैं कि बैलून है। फ्रॉम 2 consecutive kilometers, मान लेते हैं कि सी एल डी 2 consecutive stones kilometers है, बोल रहा आर 30 degree and 60 degree। तो हम लोग एक बार यहाँ से देख रहे होंगे, एक बार यहाँ से देख रहे होंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ढेर सारा बच्चा का आ जाता है कि सर 30 degree कौन लेंगे, 60 degree कौन लेंगे। तो आप याद कीजिएगा कि सर जो बेस होगा उससे बगल वाला एंगल बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा आपको 60 degree, ये कितना हो जाएगा 30 degree, 60 degree and 30 degree, देन द हाइट ऑफ बैलून एबव द ग्राउंड विल बी। ये आपको हाइट पूछ रहा है, बैलून यहीं पर है ना, तो बैलून का हाइट पूछ रहा है कहाँ से, ग्राउंड से। देखो देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा ए बी है, यही हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ बैलून। तो मान लेते हैं कि एच किलोमीटर क्या आपका है, हाइट है, कितना है, एच किलोमीटर हाइट है। एक चीज पॉइंट पॉइंटेड है इस क्वेश्चन के लिए कि जब भी क्वेश्चन बोलता है 2 consecutive stones kilometers, 2 consecutive stones kilometers बोलेगा तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ये सी, ये 2 consecutive stones है, ये दोनों का आपको कितना हो जाएगा, 1 kilometer लेंगे। अगर खुद से लेना पड़ेगा जब भी 2 consecutive kilometers बोलेगा तो आपको 1 kilometer लेना पड़ेगा। अगर आप 1 kilometer नहीं लेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड के लिए सर सवाल है। जब भी क्वेश्चन बोलता है 2 consecutive kilometers stones, आपको टेक द डिस्टेंस 1 kilometer। आपको बताया हुआ कैसा भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो, दो ट्राइंगल वाला अगर सवाल आता है तो सिर्फ आप कुछ नहीं करो, एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या लगा दो टाइम थीटा, एक बार छोटा वाला ट्राइंगल में लगा दो टाइम थीटा, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी सवाल के लिए, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का अगर आपको सवाल आता है तो जब भी अगर दो ट्राइंगल वाला आपको सवाल रहता है तो एक छोटा सा ट्राइंगल लेंगे, एक बड़ा सा ट्राइंगल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखना, चलो छोटा वाला ट्राइंगल देखते हैं। इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में देखेंगे वो तो टैन थीटा हमेशा लगाएंगे, टैन थीटा। जब दो वाला सवाल रहेगा दो ट्राइंगल वाला तो क्या लगाएंगे, टैन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपको टैन 60 = P/B, पी कितना होगा आपको एक्स, मान लेते हैं बी सी नीचे दिया हुआ है, बी सी मान लेते हैं कि एक्स है, कितना मान लिया हम लोग एक्स है, तो टैन थीटा होता है वो पी बटा बी, तो एच बाई एक्स आ जाएगा। टैन 60 का वैल्यू होता है आपको √3 = H/x, यहाँ पर से हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेते हैं तो √3x = क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी बोले कि दो ट्राइंगल लेना है, छोटा वाला ट्राइंगल एक बड़ा वाला ट्राइंगल। अगर हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन ट्राइंगल होगा ए बी डी, फिर लगाएंगे क्या, टैन थीटा, तो अब आ जाएगा आपको टैन 30 = P/B, पी तो आपको एच ही है, बेस बराबर आपको दिख रहा होगा कितना है, x + 1, टैन 30 होता है 1/√3 = H/x + 1, तो यहाँ से एच का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो एच का वैल्यू आपको आ जाएगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आ जाएगा x + 1/√3। ये मान लेंगे इक्वेशन टू। देखो कोई भी नहीं सर, दो इक्वेशन में लगाओ, दोनों में एच का वैल्यू लगाओ तो एल एच एस बराबर होगा, तो आर एच एस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस में क्या होगा, आपको बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपको √3x = x + 1/√3, सोल्व करो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3x = x + 1, यहाँ जाएगा 2x = इधर को माइनस, 2x = आ जाएगा आपको 1, दिख रहा होगा आपको क्योंकि प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको 1/2। ये दोनों इक्वेशन पे जब उन्होंने इक्वेट किया तो x का वैल्यू आ गया 1/2। लेकिन क्या हमको x का वैल्यू निकालना था, नहीं सर, हमको क्या निकालना था, हाइट का वैल्यू निकालना था। तो कहीं भी इक्वेशन में आप ले जाकर पुट कर दो
whether you can put in equation first or in equation two. अगर आप equation one में देखना कि जो आपको आसान दिख रहा होगा, तो पहला equation आपको आसान दिख रहा है, तो put कर दो x का value. इन दो putting x equal to 1/2 in equation one we get. तो यहाँ पर क्या होगा? H equal to आपका है root 3x. कितना है? Root 3x. अब x कितना लाया हम लोग? 1/2. तो 3 into 1/2 तो x कितना आ गया? Root 3/2 किलोमीटर आंसर. बात समझ में आ गया? कुछ नहीं, जब भी अगर सवाल बोलता है दो ट्रायंगल वाला, तो दोनों ट्रायंगल में क्या लगाना है? टैन थीटा लगाना है. पी बाय बी एलएचएस बराबर कर देना, आरएचएस बराबर करके इक्वेट कर दो, जो वैल्यू आता है पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. लेकिन एक पॉइंट यहां पर मार्क कर लो कि जब भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स किलोमीटर बोलता है, तो अपने खुद से मन से कितना लेना होगा? 1 किलोमीटर होता है. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है. तो सवाल बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट. इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. ये सवाल सर सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ रिपीटेड सवाल है. इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा क्या बोलते हैं. केवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस. मान लेते हैं ए बी क्या है? लाइट हाउस है. और सी और डी दो पोजीशन है क्या? शिप्स का. बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, तो मान लें कि सी एंड डी आर द टू पोजीशन ऑफ द शिप. एक बार बाबू यहाँ से यहाँ देखता है और फिर एक यहाँ आता है. जानते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब टॉप टू बॉटम देखते हैं तब. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है आपका? 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ये हो गया आपको कितना? 45 डिग्री. ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये भी 45. और बोलता है टुवर्ड्स इट इफ द शिप्स आर 2 मीटर एंड 200 मीटर अपार्ट. ये जो दोनों शिप्स माने हैं, सी और डी हम लोग क्या माने हैं? शिप्स का पोजीशन माने हैं. दोनों कितना मीटर दूरी है बाबू? 200 मीटर का दूरी है. तो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना है? 8 मीटर. कितना है? 8 मीटर. फिर से सुनो, ये सवाल पूछा हुआ सीबीएसई के द्वारा है. सवाल बोलता है कि फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. ए भी मान लेते हैं कि लाइट हाउस है, कोई यहां पर बैठा हुआ है, मान के चलो एक बाबू बैठा हुआ है और यहां से देखता है किसको? शिप्स को. एक बार देखता है सी पे, एक बार देखता है डी पे, जो एंगल आपको 35 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है. तो आपको हाइट पूछता है. आप लिख दीजिएगा डाटा पर, लिख दीजिएगा कि दीज आर द दिस 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 दिस. हम डायरेक्ट आपको सवाल बता रहे हैं. देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जब भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो, दो ट्रायंगल वाला सवाल हो, तो दो ट्रायंगल में आप क्या करो, दोनों में एक बार लगा दो. आपको एक छोटा वाला ट्रायंगल में लगाओ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाओ, और दोनों की हेल्प से क्या करो, एलएचएस निकालोगे तो बराबर हो जाएगा, तो आरएचएस स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा. तो चलो देखते हैं. एक ट्रायंगल लेते हैं तुम्हारा क्या, एबीसी. छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी. देखो इन ट्रायंगल एबीसी, देखो ये पार्ट थीटा कितना होगा? 45 है. और जब भी 45 थीटा रहेगा तो ये और ये क्या हो जाएगा? आपको सेम हो जाएगा. ये मान लेते हैं x मीटर लो. तो जब भी 45 हो तो सेम हो जाता है, क्योंकि tan 45 कितना होता है? 1. तो लगाओ इंटरनल एबीसी, tan 45 करते हैं तो हमारा आ जाएगा p / b, h / x. और tan 45 होता है 1 equal to h / x. यहां से x का वैल्यू निकालो तो x जो वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? h. ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट. और फिर लगाएंगे अगेन एम ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लगाओ. तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा आपको? एबीडी. एबीडी तो जब बड़ा वाला ट्रायंगल लगाएंगे तो अभी थीटा फिर लगाएंगे सेम टैन थीटा, लेकिन अब थीटा कितना है? 30 डिग्री. तो आ जाएगा आपको टैन थीटा इक्वल टू पी बाय बी. पी एच है और बेस आपको कितना दिख रहा होगा? 20 प्लस एक्स. टैन 30, टैन 30 का वैल्यू तो आपको 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच बाय 20 प्लस एक्स. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ से तो बाबू आ जाएगा आपको 20 प्लस एक्स, देखो इधर 20 प्लस एक्स बाय रूट 3 इक्वल टू एच. ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर आपको क्या? सेकेंड. आपको बार बार बताया वो जो ट्राइंगल में लगाओ इक्वेशन फर्स्ट आएगा, इक्वेशन टू आएगा. देखो एक्स के हमारा वैल्यू क्या निकालना है? एच का वैल्यू निकालना है. तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एच. चलो प्रॉब्लम क्वेश्चन 1, एच के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं? एच. लिखो यहाँ पर From equation 1 put करो value 20 plus x के यहाँ पर क्या put कर सकते हैं? h. तो 20 plus h by root 3 equal to h आ जाएगा. जब आप cross multiplication करिएगा तो 20 plus h equal to आ जाएगा आपको क्या? root 3h. h वाला को साथ में करो तो 20 equal to root 3h minus h कर लो. तो इसको फिर सॉल्व करते हो तो देखो h निकालना है तो h कॉमन ले लो. अगर आप h कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा root 3 minus 1 equal to 20. यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा आपको 20 / √3 - 1.
ये भी आप आंसर ये आएगा, लेकिन आपको ये आंसर लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का मालूम है सर कि डिनोमिनेटर नेवर कंसिस्ट ऑफ इरेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता है। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रेशनलाइज लो कर लो, अगर नहीं आता है तो 20y√3-1 है ना, तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, साइन चेंज करके आ जाएगा √3+1, या आ जाएगा आपको √3+1। तो आंसर आ जाएगा 20√3+1/2, इतना आ जाएगा, 2 काट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 10, या आ जाएगा 10√3+1, यही हो जाएगा आपको आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए बाबू। ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पीड पूछ रहा है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स भी आपका लगा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बोलता है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर अबव द ग्राउंड, कुछ नहीं करो थोड़ा सा पढ़ो और क्या करो वो फिगर बनाते चलो। तो क्या बोलता है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर। देख मान लेते हैं कि ए बी ए पोजिशन है एरोप्लेन का, जो कि कितना मीटर पर ऊंचा पे है, 2500 मीटर पर ऊंचा पे है, अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। मान लेते हैं कि ग्राउंड है, एक बाबू यहाँ पर से खड़ा है, एरोप्लेन को देखता है, एक क्या है एरोप्लेन का पोजीशन है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 2500। एक बाबू मान के चलो कि पोजीशन कहाँ पे है, सी पे मानते हैं, और इसको देखता है कितना से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बोलता है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। एंड आफ्टर 15 सेकेंड बाबू ये जो एरोप्लेन यहाँ है, तो 15 सेकेंड के बाद कुछ ना कुछ तो आगे चला होगा, तो मान लेते हैं कि ये डीप पोजिशन पर एरोप्लेन आ गया, कितना देर के बाद, 15 सेकेंड के बाद। एंड आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू 30 डिग्री। अब बाबू यही एरोप्लेन को अगर यहाँ दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है, 30 डिग्री आता है, कितना आता है 30 डिग्री। लेकिन क्या हाइट चेंज करेगा, सेम है, हाइट यहाँ भी 2500 था, हाइट यहाँ भी आपको 2500 होगा। तो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर, स्पीड निकालना है कितना किलोमीटर में आपको। तो मान ली ए बी सी डी ई, सुनो फिर से, कहता है कि एक और प्लेन था ए पर, यहाँ से अगर देखते तो 60 डिग्री आता है 15 सेकेंड के बाद, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 15 सेकेंड लगा, कितना लगा 15 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ चला गया 15 सेकेंड टाइम लगा। अगर यहाँ से देखते हैं फिर से तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री पे, तो आपका स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि बाबू रे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझे ना, बनाने नहीं लगना, ये नहीं कि सवाल है हाथ उठाए बनाना स्टार्ट कर दे, पहले सोचेंगे कि क्या सवाल बोल रहा है। तो जब भी स्पीड पूछ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो बाबू स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, कितना 15 सेकेंड। तो बाबू अगर ये हमको डिस्टेंस मालूम चला जाएगा तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, और स्पीड आ जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, ताकि मीटर पर सेकेंड में निकालते हैं फिर किलोमीटर पर आवर निकालते हैं। तो चलो देखो कितना ट्रायंगल बताए थे, 2 ट्रायंगल। तो बाबू अगर तुम बड़ा वाला ट्रायंगल लगाओगे तो ये पूरा का पूरा सी आ जाएगा, और जब छोटा वाला ट्रायंगल लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और सी में से अगर बी सी को हटा दियो तो बी डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लगा देते हैं, इन ट्रायंगल सी ई डी, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल सी ई डी में लगाते हैं तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो आ जाएगा मेरे भाई टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, P कितना आपको दिया हुआ है 2500, और बेस कितना दिया हुआ है आपको, C मान लेते हैं, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 2500 बाई सी, यहाँ से C का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आपको C का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2500√3 आ जाएगा, ये मान लो आप इक्वेशन 1। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग किस में लगाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC, किस में लगाएंगे, छोटा वाला ट्रायंगल हम ABC में लगाएंगे, थीटा देख लिया मेरे भाई 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आ जाएगा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी फिर तुम्हारा 2500 है, और बेस आपको कितना दिया हुआ है BC, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू आ जाएगा आपको 2500 बाई BC, अगर आप यहाँ से BC निकालते हो तो BC का वैल्यू आ जाएगा आपको 2500 बाई √3, ये आ गया आपको इक्वेशन 2। देखो यहाँ से हमने क्या किया, सी निकाल लिए, अगर फर्स्ट ट्रायंगल में लगाए तो सी बेस निकाल लिए, और सेकंड ट्रायंगल से हम लोग क्या निकाल लिए, बीसी निकाल लिए। आपको मालूम था कि सर टाइम दिया होता है, डिस्टेंस मालूम होगा तभी ना लगाएंगे स्पीड, तो माइनस कर दो सिंपली, यार सिंपली क्या कर दो, माइनस कर दो, किसमें से, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो सी इक्वल टू माइनस बीसी कर दोगे, लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन
डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू सी माइनस क्या कर देंगे बी सी। सी आपको दिया हुआ है, कितना सी लाए हम लोग बाबू यहाँ पर 2500√3 और बी सी कितना लाए हैं 2500/√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आ जाएगा 2500 × 3 माइनस 2500/√3। अगर 2500 आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ जाएगा आपको 3 − 1/√3 आएगा ना, 2500 कॉमन लेंगे तो 3 − 1/√3 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 2500 × 2/√3। बाकी हम लोग जानते हैं बाबू कि √3 क्या कहाँ रहेगा, आपको कहाँ रहता है डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो चलो अगर डायरेक्ट पुट कर दें वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर लो, तो डायरेक्टली क्या करो डिस्टेंस के यहाँ पर ले जाकर पुट कर दो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका आ गया 2500 / √3 और टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड, रेशनलाइज कर दो √3/√3 से तो ऊपर आ जाएगा 2500 × 2 × √3/15 × 3। ये आपको जो स्पीड है सोल्व कर लेना, फर्दर सोल्व कर लेना तो आ जाएगा कितना मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन स्पीड पूछ रहा है किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मालूम होगा कि बाबू रे मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में बोलता है छोटा से बड़ा बोल रहा है तो 18/5 से क्या करता है मल्टीप्लाई करते हैं, और जस्ट इसका रिवर्स करोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, आप सिंपली क्या करते हो बड़ा ट्रायंगल में लगा के सी निकालते, छोटा ट्रायंगल में निकाल के ये बेस निकालते और ये में से अगर ये माइनस कर दो कि डिस्टेंस का बड़ा आ जाएगा, डिस्टेंस का बड़ा टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस का टाइम कर दोगे तो स्पीड आ जाएगा, और स्पीड मीटर पर सेकंड में है, अगर उसी को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इस सवाल को प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, इस सवाल बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है सर, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए। ये भी सवाल आपको पूछा हुआ है 2015, 2017, 2019 सब में सवाल पूछा हुआ है, रिपीटेड सवाल है, इसको भी आप देखिएगा क्या बोलता है। फ्रॉम ए पॉइंट 36 मीटर एवब द लेक, मान लेते कि लेक है, ये क्या मान लेते इधर आपको लेक है और लेक से कितना मीटर ऊंचा बोल रहा है 36 मीटर, इतना 36 मीटर। तो फ्रॉम द पॉइंट 36 मीटर एवब द सर्फेस ऑफ लेक द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ बर्ड इज ऑब्जेक्ट टू 30 डिग्री। मान लो कि यहाँ पर ऐसे करके चिड़िया उड़ रही है तो इसको देखते हैं तो कितना डिग्री आता है वो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री बोलते हैं। फिर बोलता है आपका एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज इन द वाटर ऑफ द लेक इज ऑब्जेक्ट टू बी 60 डिग्री। ये मान लो ऐसे नहीं सरफेस ऑफ द लेक था, ये वर्ड था, ऊपर देखते हैं तो 30 डिग्री आता है और इसका रिफ्लेक्शन मान के चलो कि ऐसे करके बर्ड यहाँ पर बनता है नहीं, ये कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से कहाँ दिख रहा है वह नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा 60 डिग्री। तो पूछता फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द वर्ड एवर द सरफेस ऑफ द लेक, तो सरफेस ऑफ द लेक से हाइट पूछ रहे हैं। ये मान लेते कि हाइट कितना होगा एच मीटर है, कितना मान लेते हैं हाइट एच मीटर, 36 मीटर से सवाल सुनो बाबू रे सरफेस ऑफ लेक से 36 मीटर ऊंचा से बाबू देखता है किसको बर्ड को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 आता है। अब बर्ड का रिफ्लेक्शन तो शो करेगा लेक में और लेक ऑलवेज एक्ट एज अ प्लेन मिरर, ये बात हमेशा याद में रखना। जब लेक पॉन्ड या रिवर बोलता है तो हमेशा कैसा रिएक्ट करता है, हमेशा करता है वो कैसा प्लेन मिरर के जैसा, ये तुम्हारा क्या करता है प्लेन मिरर के जैसा एक्ट करता है। तो यहाँ से देखते हैं तो 30 डिग्री और रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो एंगल कितना आता है डिफ्लेक्शन 60 डिग्री। तो पूछता है कि हाइट निकालिए, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक इज 60, कितना एच मीटर, ये मान लिया हम लोग एच मीटर, ये 36 था ये भी कितना होगा 36, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपको एच माइनस 36। और देखो ये अब देखो यहाँ से जब ये पूरा का पूरा एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि लेक ऑलवेज एक्ट एज अ प्लेन मिरर। तो देखो यहाँ पर ये लेक था, जितना ऊपर ये हुआ होगा अगर ये एच मीटर है यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन का अभी जो बर्ड हुआ होगा ये भी कितना हुआ होगा एच मीटर हुआ होगा, ये याद रखना एच ये भी एच। अब कितना काम बताए थे आपको, दो ट्रायंगल निकालना रहता है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल और जस्ट इक्वेटेड यू विल गेट द रिजल्ट। तो देखो छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी ई, तो चलो छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं ए बी सी, इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी देखोगे तो क्या आ जाएगा पी बाई बी, तो आपको आ जाएगा tan 30 इक्वल टू पी बाई बी, और पी देखो कितना है एच माइनस कितना है
36, तो h माइनस 36 बाई बेस आपका दिख रहा होगा कितना bc, कितना bc, तो tan 30 होता है बावरे 1/√3 h माइनस 36 बाई bc, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहां से bc का वैल्यू आ जाएगा h माइनस 36 √3, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 1 मान लेना। सिमिलरली इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल आपका है cbd, देखो cbd इन ट्रायंगल cbd, जब बड़ा वाला ट्रायंगल लगाते हैं cbd तो क्या लगाएंगे tan थीटा, अब थीटा कितना होगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा आपको b, तो लगाएंगे अगर tan 60 इक्वल टू p / b, तब p दिख रहा होगा ये h है, 36 है, तो बाहर यहां पर p आ जाएगा h + 36 और बेस तो कॉमन बेस था bc, यहां से आ जाएगा bc, अगर tan 60 का वैल्यू जानते हो तो आप जानते हो कि √3 आता है h + 36 / bc, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो bc का यहां से वैल्यू आ जाएगा आपको, bc का वैल्यू आ जाएगा h + 36 / √3, क्या जाएगा h + पर यहां पर एकदम एक तो bc को तो यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को देखो ये bc इक्वल टू ये है और ये भी bc इक्वल टू ये है, lhs सेम है तो rhs भी क्या होगा सेम होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा h माइनस 36 रूट 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बोलिए h प्लस 36 बाय रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो h माइनस 36 रूट 3 रूट 3 कितना आएगा 3 इक्वल टू h प्लस 36, फर्दर सॉल्व करो, चलो तोड़ते हैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो, ये आ जाएगा 3x माइनस 6 3 18, 3 3 9 0, 108 इक्वल टू h प्लस कितना आ जाएगा आपको 36, चलो h को एक तरफ करो बाकी को एक तरफ करो, प्लस से देखना तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3h माइनस h इक्वल टू 36 प्लस 108, ये आ जाएगा आपको 2h इक्वल टू 86 14 को 4 माइनस 1 नहीं आ जाएगा यहाँ पर आपको कितना 144, तो आपको h का वैल्यू आ जाएगा 144/2 72 मीटर, मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड था कितना था आपको 72 मीटर था, कुछ नहीं किए, ये चीज याद करना कि जब भी लेक बोलता है तो लेक ऑलवेज एक्ट एज द प्लेन मिरर, हमेशा प्लेन मिरर का एज एक्ट करेगा, ये जितना अगर एच है तो इसका रिफ्लेक्शन का भी लेक से कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, दो ट्रायंगल लगाओ इक्वेट करो कॉमन बेस का बेस इक्वेट करो आई आ जाएगा, तो चलिए हाइट कितना आ गया 72 मीटर, तो इस क्लास में बस हम लोग ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का किया हो, नहीं तो ध्यान से चारों अगर सवाल को आप करके आ जाते हो सर एग्जामिनेशन में यू आर नॉट गोइंग टू स्किप अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, एक भी सवाल को आपको नहीं छूटेगा, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन।